अरे आपने मुझे पहचान तो लिया होगा। कौन भाई, मैं नहीं जानता आपको। दूर हो थोड़ा, मैं दांत की दवाई देखो ना। तो मैं क्या करूँ, मैं क्योंकि डेंटिस्ट हूँ। अरे ये तो मेरी पहचान बन गई है यार, कि मैं गाना नहीं आता, तो डांस करो तो मेरे। अच्छा वो जो आप नाची थी, वो डांस था मेरा। उसको डांस वांस नहीं बोलते, उसे नाचना बोलते हैं। उसको डांस कहते हैं? डांस नहीं बोलते, उसे नाचना बोलते हैं। पंजाबी में मुजरा बोलते हैं उसको। तो फिर से वापसी, भाई लोगों और उनकी बंदियों, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो आज हम कुछ ऐसी चमन चूतियों के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि पिछले 20-25 दिन से बवाल चल रहा था इस मानो का, मानो बोले तो ओए आयशा। तो अब दोबारा एक बवाल जाग चुका है टिकटॉक पे। तो हम ये टिकटॉकर्स के लिए वीडियो बना रहे हैं तकरीबन, क्योंकि आप भी टिकटॉकर ही हो ना। पहले से आराम है। मैं यही सोच रहा था कि पूरा साल गुजर गया, अभी तक टिकटॉक पे कोई ऐसा कोई उजड़ा हुआ चमन नहीं आया। मतलब हम इन्हीं चमन चूतियों के बारे में बात करने वाले हैं। इसमें सब चूती अपना अपना हिस्सा डाल लें, क्यों 2022 को ऐसे जाने नहीं देंगे। इन्होंने बोला कि हम इस तरीके से जाने नहीं देंगे। आखिरी महीना है, हमने बोला हम भी हिस्सा डाल ही लें। तो हर कोई अपना अपना हिस्सा डाल रहा है मेरा भाई। जैसा कि आपके सामने अभी वो आयशा आई थी, उससे पहले 3-2-1 आया था आपके सामने। तो भाई ऐसी ऐसी आपको खूबियां मिलते रहेंगे सबके अंदर। और अभी एक और चीज ट्रेंडिंग पे आ गई है, वो है लोर द पावा। यही नहीं, अभी और सुनिए, समझ तो गए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आयशा की, कि आयशा के हो गए 6 लाख फॉलोअर। 6 लाख फॉलोअर? अच्छा। आवाम इस तरीके से भागी है उसके इंस्टा अकाउंट पे, और सूत्रों के अनुसार पता ये भी चला है कि उसने 3 करोड़ कमा लिए। 3.5 कमाए भाई, कल रात तो कमाए 50 हो। मेरे पास कल आइए 4.5 हो गए। 4.5 हो गए? हाँ, के नंबर आ रहे हैं। तूने तो नहीं की? नहीं मैंने की। अच्छा, तो ये अब बात सारी ये है कि आवाम परेशान हो गई कि लड़की ने डांस करके 2 करोड़ 3 करोड़ जो भी मतलब चल रहा है व्यापार इस तरीके का, कि इस तरीके से इसने पैसा कमा लिया। लोग पागल हो गए कि यार हम किस तरीके से कमाए वेले बैठे में, जैसे कि हम दोनों वेले बैठे में इसी तरीके से आवाम वेली बैठी हुई है भाई। अब 3 करोड़ का सुन के परेशान हो गया कि भाई इंजीनियर कर ली 4 साल की, इतना पैसा नहीं कमाया अभी तक, मतलब भाई तनख्वाह मिल रही 40,000-30,000 रुपए महीने की, और ये लड़कियां डांस करके कितने कमा लिए? 2 करोड़ 3 करोड़ भाई। और रोज रात को कॉल आई मेरे पास, उसमें तो 4.5 करोड़ पता चला है। समझ नहीं आ रहा भाई कि किस ये बढ़िया था गुरु। चलिए से कमाए यार ये तो, चलो 100% ये बात तो है। उसको नहीं मिले कहाँ से, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। ये आवाम ने दिए ना, जैसे फॉलोवर भागे ऐसे आवामों ने दिए ना, ऐसे क्राउड भागी है भाई बड़ी। तो क्राउड मतलब पैसा लगे गई है क्या उसकी तरफ? नहीं, लेकिन देखो वो लड़की बहुत वायरल हुई, उसका डांस वायरल हुआ। हम लोग बड़े, चलो हम ज्यादा घराए में नहीं जाएंगे इसकी। हम बड़े परेशान थे इसको लेके यार, मैंने कहा वायरल हो गए, चलो लोग तो ये बोल रहे हैं इज्जत देने वाली रब की दात है, इस तरीके की इज्जत चाहिए नहीं वैसे। शाबाश बेटा, बहुत ठीक है। तो लेकिन परेशानी थोड़ी सी ये थी, बेचैनी थी, परेशानी भी थी बेचैनी भी थी यार। हमने बोला सुबह सुबह बंदा टीवी खोलता है, चैनल आता है कि सामने एक इतना बड़ा प्यारा सा चैनल, उसके होस्ट भी अच्छे होते हैं, निदा यासिर। तो बड़ी बेचैनी सी हो रही थी। हमने बोला यार जब तक इस शो में हम देख नहीं लेते ना, रूह को सुकून नहीं मिलने वाला। एक रह गया अभी, क्या लौड़ा पावा तलावा दिखाएंगे हम, वो भी आएंगे निदा यासिर के शो में आएंगे, क्योंकि हमारी पूरी ख्वाहिश है और कोशिश भी है कि अख्तर भाई साहब भी आए। और सवाल कैसा होगा पूछना थे, कैसे करेंगे निधि यासिर का सवाल ये होगा, ये जो वीडियो थी ये तो सबने देखी, लेकिन ये आपकी थी? एक सवाल ये होगा। और दूसरा सवाल उनसे ये होगा कि ये जो पावा आप बोलते रहते हैं, ये कोई मंजी का पावा है, जो मतलब चरपाई का पावा है? आप जो बोलते हैं लाहौर का पावा, अख्तर लावा, ये कोई चरपाई टूटी हुई चरपाई उसका पावा है? दूसरा सवाल ये होगा। और चले इसी तरीके की एक बात बता देता हूँ मैं आपको, इन दोनों चीजों में, दोनों में मतलब आयशा में और अख्तर भाई में एक चीज तो बिल्कुल सेम है, आप भी एग्री होंगे गोरी साहब इस बात से। जी जी, कि आप शोएब अख्तर को तो जानते होंगे आप। हाँ हाँ, शोएब अख्तर कौन है? पाकिस्तान का बेहतरीन बॉलर रहा है। बेहतरीन क्या बोला तूने? पाकिस्तान का नहीं, वर्ल्ड के अभी तक तेज तरीन बॉलर है। अब आयशा में भी वो बात है और अख्तर भाई साहब में भी वही बात है,
आयशा का जो स्टेप था ना ये वाला, मेरा दिल ये पुकारे आजा, तो ये शोएब भाई विकेट लेने के बाद सेलिब्रेशन के तौर पर ये करते हैं। अच्छा, और आपको पता है लॉर्ड द पावा अख्तर लावा, उनका तो नाम ही अख्तर है, मतलब ये दोनों चीजें कॉमन एक जैसी आ रही है सीधी शोएब भाई पे। ये तो उसका वो है ना एक्शन, अपना एक्शन उन किसका हसन अली, हाँ वो तो ऐसे जनरेटर है ना। अच्छा, नहीं वो नहीं, मतलब सेम टू सेम हो रहा है थोड़ा सा, वो ऐसे रिएक्ट करती है अख्तर भाई साहब की तरह, शोएब अख्तर की तरह, और इनका तो नाम ही अख्तर, मतलब यानी अब अगली जो वीडियो बनाए हम शोएब अख्तर में बनाए, किस तरीके से ट्रेंडिंग में जाएगी, मतलब बस उनकी चीज है, एक नाम उनका चल रहा है अख्तर, दूसरा उनका स्टेप चल रहा है, तो हम इसी तरीके की बात है ना, उसमें हम थोड़ा सरदा भी है, क्योंकि हमें अच्छा नहीं लगता रोज रोज किसी पे वीडियो बनाना इस तरीके की, ये रोज नहीं है भाई और कोई रोज नहीं है, हमारी सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि जैसे कि आपने आशा को बुलाया था, अब आप अख्तर भाई को भी बुलाएं, हम चाहते हैं कि आपके हम उनसे भी ये फर्ज है इनका, पर ये फर्ज जो भी चल रहा होता है ना, मतलब ट्रेंड में जो भी चल रहा होता है उसको याद उठा के उसको अपने चोरे बुला लेते, मतलब एड़ा मेड़ा कोई डांस को कोई प्रमोट करना, टेढ़ा मेढ़ा पेड़ा, मतलब जो भी टेढ़ा मेढ़ा आएगा, मतलब यार हम भी सीधे नहीं है, हम भी थोड़े टेढ़े मेढ़े, हमें नहीं बुलाइएगा, लेकिन हम आएंगे भी ना अगर खुदा ना खास्ता, अगर हम नहीं आएंगे, हम नहीं करना चाहते अपनी बेस्ती, क्योंकि आपके जो सवाल होंगे वो तीसरी रो में जा रहे होंगे, बंदे बैठे होंगे फर्स्ट और सेकंड रो में, आपका सवाल जा रहा होगा तीसरी रो में, तो हमारे कहने का मकसद यही है, थोड़े से मायूस है इस बात को लेके कि हम बहुत जल्द आपके शो में अख्तर भाई को देखना चाहते हैं, और अख्तर भाई को हम आपके शो में देखना चाहते हैं, हमें बड़ी खुशी होगी, हम आपके सवाल सुनना चाहते हैं, वो जो सर के ऊपर से जाने वाले सवाल होते हैं, और लेकिन आप सर के ऊपर गया ना देखा ना, लेकिन कहने का मतलब यही है, जो अब वो जो बाजियां बिठाई हुई होती है ना निदा यासिन ने, उनके भी थोड़े उल्टे ही शशके चल रहे होते हैं, वो सारी बाजियां होती है, उनमें कोई जेंट्स नहीं होता, वो एक जेंट्स बैठा हुआ था आयशा के शो में, मतलब जब आयशा आई थी ना उसी मतलब उसी में बैठा हुआ था वो कुछ यूं करके कि मुझे आपका डांस बड़ा प्यारा लगा, मैंने सोचा मे बी ये इवेंट कि डांस करी, फिर बाद में मुझे पता चला कि इतना वायरल हुआ और सारे लोग इसी में डांस, मतलब ये मतलब थोड़ी यार थोड़ी तो वो लाओ मर्दों वाली, ये बहुत मुझे पसंद आया, मैं ये भी चाहता हूँ कि मैं अपनी शादी बागे कराऊं, ताकि ऐसे ऐसे अगर आपको ये डांस इतना ही पसंद आया तो ये आप अपने घर वालों से क्यों नहीं करवाते, करवाए ना क्या हुआ ना, तो डांस को इतना प्रमोट कर रहे हो तुम लोग यार, अच्छी चीज को प्रमोट करो यार, ऐसे नहीं करो, और ये निदा यासिर पे तो फर्ज हो गया, मतलब जो भी मतलब कुछ चूतिया हिट हुआ ना उसने जाना टका, बल्कि उसके पास इन्विटेशन आना है वहां से, किस तरीके से आता है गुरु साहब, कभी आया नहीं ना, पता नहीं है, निदा यासिर आपको बुलाना चाहती है शो में इतना सादा साता है, ये तो वीडियो सबने देखी है, लेकिन ये किसकी थी, हाँ सही, तो बच्चों ने ये नारा बनाया अख्तर लावा हमारा जो है ना, लावा निकने में हमारे बड़ों को भी लावा कहते हैं, तो ये हमारा खानदानी नाम है, तो बच्चों ने प्यार से ना, छोटे बच्चों ने नारा बनाया, टूट गई मंजी रह गया पावा, अख्तर लावा अख्तर लावा, डांस के लिए तालियां होनी चाहिए, हम लोगों ने बनाए, मैंने क्या है, जब इतने टिकटॉक खोलो, चले इसी के साथ वीडियो का खत्म करते हैं, लेकिन बात सारी कहनी यही है कि यार ये इन्फ्लुएंसर ये टिकटॉकर को इतना सपोर्ट ना करो भाई, आप लोग भी यूट्यूब पे आओ, हम लोग भी यूट्यूब पे, अभी ये तो हमने एक वीडियो बनाई ना, छोटी सी वीडियो बनाई, लाइक के लिए नहीं बनाई ना, व्यूज के लिए बनाई, हमने वीडियो बनाई सिर्फ सब्सक्राइबर के लिए, अभी देखो हमारे बात सीधी, अभी हमारे 65 सब्सक्राइबर नहीं है, तो हम चाहते हैं इस साल में हमारे मतलब 100 तो हो ही जाए भाई, 100 सब्सक्राइबर, जो ये वीडियो को देख रहा है बस सब्सक्राइब कर दे, भले लाइक कमेंट नहीं करे, सही है भाई, सोचिए इस साल में सब्सक्राइबर सोचिए किसी भी हाल में, चलो इसी के साथ वीडियो को एड करते हैं, मिलते हैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।